शुरुआत एक ज्योति शिक्षा की एक ऐसी संस्था है जो ऐसे बच्चों को शिक्षा देने का कार्य कर रही है। जो बच्चे झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, जो बच्चे भिक्षावृत्ति कर रहे हैं और जो बच्चे नशा के शिकार हो चुके हैं, उन बच्चों को शिक्षा देने का कार्य कर रही है। संस्था शुरुआत एक ज्योति शिक्षा को पूरे 6 वर्ष हो गया है जो शिक्षा पर निरंतर वर्क कर रही है और आज शुरुआत संस्था में करीब 150 बच्चे को मुफ्त में शिक्षा दी जा रही है। शुरुआत संस्था में बच्चे नर्सरी से लेकर इंजीनियरिंग तक पहुंच गए हैं और सब बच्चे बहुत बेहतर कर रहे हैं। इस वर्ष 10वीं कक्षा के 7 बच्चों ने बोर्ड का पेपर दिया और सभी अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हुए। कक्षा में प्रथम स्थान के साथ जो भी बच्चों के बदलाव हुए और हर बच्चे अलग अलग क्षेत्र में जा रहे हैं। कोई डॉक्टर तो कोई इंजीनियर बनना चाह रहा है, कोई आर्मी ऑफिसर बनना चाह रहा है और कोई पत्रकार बनना चाह रहा है। सारे बच्चों के अंदर जो भी बदलाव आया वो सिर्फ शुरुआत संस्था की वजह से मुमकिन हो पाया। लेकिन संस्था को इस वर्ष कुछ आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें सारे बच्चों ने निर्णय लिया कि वो इस दिवाली पर कुछ ऐसा करेंगे जिससे हमारी संस्था इस समस्या से दूर हो सके। और उन्होंने इको फ्रेंडली मोमबत्तियां और कुल्हड़ के ऊपर नई नई क्रिएटिविटी करके दिया बनाया और उसको सेल करके संस्था का कुछ आर्थिक समस्या दूर हो सके, जिससे बच्चे लोग अपनी पढ़ाई निरंतर आगे भी जारी कर सके। ये स्लम्स के जो बच्चे हैं, यहाँ पे झुग्गी झोपड़ी है इलाहाबाद में, जहाँ के बच्चे हम उन लोगों को संघर्ष कर रहे हैं कि वो पढ़ा सकें उनको कुछ, ये भिक्षा मांगते थे बच्चे। इनमें से ज़्यादातर बच्चे नशाखोरी में और भीख मांगने में इन्वॉल्व थे। इन लोगों को हम ले आ रहे हैं। ये अभिषेक शुक्ला बच्चा है, अभिषेक शुरुआत लिखता है अपने नाम को, तो ये इन बच्चों को इकट्ठा करके पढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो इस बार हमने एक प्रयास ये किया है कि ये लोग जो भिक्षा मांग के पैसा कमाते थे, ये जो इनकी आदत पड़ी हुई थी, तो इसको छुड़ा के इन लोगों से बताया कि आप लोग कैंडल बनाइए, दीपावली पर उसको बेचिए, उससे जो पैसा आएगा उससे आप लोग पढ़ाई करेंगे, उससे आप अपने घर में दिया जलाएंगे। तो इसलिए ये चीज़ जो है उन लोगों को प्रमोट कर रहे हैं कि वो मेहनत करके पैसा कमाएँ बजाय भीख मांगने के। बहुत ज़्यादा जागरूकता तो काफ़ी मीडिया से बहुत, अब आप बहुत हम लोगों को हेल्प मिल जाती है, तुरंत ये चीज़ों जो है सर्कुलेट हो रही हैं और कंटिन्यूस लोग आ रहे हैं इसको लेने। कल एक व्यक्ति ने, आप बिलीव नहीं करेंगे, 4000 का जो है लिया है, दिए ही लिए उन्होंने 4000 के। उन्होंने कहा कि उनको बहुत अच्छा लगा ये इनिशिएटिव। तो इस तरह से हेल्प लोग कर रहे हैं, रोज आ रहे हैं इसको ले। कुछ लोग सिर्फ दिए ही लेके जा रहे हैं, इतने बड़े शॉपिंग उसमें लोग दिए लेने ही आ रहे हैं कि आप सुनाई पड़ा है कि बच्चों की स्लम्स के बच्चे बना रहे हैं, तो वो दिए लेके जा रहे हैं यहाँ से। और ये मनी हम ये अलग रखते हैं बिल्कुल, और उन बच्चों को उनके इसके स्टेशनरीज और उनकी ज़रूरत की चीज़ें खरीद के उन लोगों को देते हैं। हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने हमको मतलब बताया यहाँ के बारे में कि बच्चों ने दिए बनाए हैं। वैसे भी सब लोग बाहर से दिए खरीदते हैं और दिवाली में जलाते हैं, तो वही जो दिवाली मतलब बच्चों हम लोग बाहर से मनाते हैं, वही बच्चों की पढ़ाई के लिए जो पैसा चला जाएगा थोड़ा बहुत हम लोग सपोर्ट कर देंगे। ये सारी चीज़ें सोच कर फिर हम लोग यहाँ दिए लेने। नाम बताइए। सुमित कुमार, चित्रकूट। नमस्कार सर, मेरा नाम अभिषेक है और मैं गोरखपुर का हूँ। और जैसे कि हमारे भैया ने, बेसिकली मुझे तो कुछ पता नहीं था इसके बारे में, पर हमारे स्वतंत्र भैया जी हैं, उन्होंने हमको बताया और हम यहाँ पे आए और बहुत अच्छा लगा इन बच्चों को देख के। उनका जैसे उनका भविष्य चल रहा है और उनका उनके लिए ये सब टीम में हम लोग काम कर रहे हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये और छोटा सा एक योगदान बच्चों के लिए मेरे तरफ से था सर। थैंक यू सर। नाम बताइए। अभिषेक यादव सर। आपको मतलब आपने यहाँ कैंडल लिया? जी जी। क्या उद्देश्य रहा? जी एक्चुअली कैंडल तो हम दिवाली में जलाते ही हैं और हमें कहीं ना कहीं से तो परचेज करना ही होता है। एक मेरा दोस्त है यहाँ संस्था से जुड़ा हुआ है, तो उसने कल मुझे मैसेज फॉरवर्ड किया कि बच्चों ने मेहनत करके दिए बनाए हैं, तो मुझे लगा लेना तो है ही मुझे, तो क्यों ना जो है एक मुझे मैं पंक्तियाँ कहना चाहूँगा, गोपाल दास नीरज की एक पंक्ति है कि जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना कि अंधेरा धरा पर कहीं रहना जाए। तो इन पंक्तियों को जो है याद करते हुए हम आए और हम ले रहे हैं। और मैंने सारे अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को कहा कि आप ज़रूर यहाँ से दिए लीजिए, क्योंकि आप लेंगे यहाँ बच्चों के चेहरे पे खुशी आएगी, उन्होंने मेहनत से बनाया है इसे और कहीं ना कहीं वो उनके ही विकास पे, उसके जो पैसे हैं, उसकी जो अर्निंग है, उनके विकास पे ही लगनी है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा संस्था का जिन्होंने ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं, जो बच्चों को, मलिन बस्तियों में रहने वाले बच्चों को पढ़ाई लिखाई और पढ़ाई से संबंधित सारी आवश्यकताएं वो पूरी करते हैं। तो
दैट्स ऑल। नाम और पता बताइए। जी मैं मेरा नाम हेमंत दुबे है, मैं IIIT इलाहाबाद में सोच छात्र हूँ गणित विभाग में। तो जी।